नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं शबनम। पंजाब चुनावों के मद्देनजर हर पार्टी के स्टार प्रचारक जनता को अपने हक में करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली इन दिनों प्रचार में जुटे हुए हैं। लुधियाना में एक रैली को संबोधित करते हुए अरुण जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के 14 सूबों में हमारी सरकार है, कांग्रेस सिर्फ 5 में ही सिमट कर रह गई है। साड़ी सरकार है, 14 सूबे हैं, साड़ी सरकार है, कांग्रेस 5 च रह गई है। वो 5 चो ऐतकी उत्तराखंड भी निकल जाना है तो मणिपुर भी निकल जाना है। और इस साल जो अगला चुनाव होएगा साल दे अंत तक और अगले साल तो हिमाचल च भी हालत खराब है तो कर्नाटक भी खराब है। वो निकल गए तो फिर एक नॉर्थ ईस्ट का एक अद्धा स्टेट बचेगा, मेघालय। यह परिस्थिति कांग्रेस की है। और अज असी संघर्ष चो निकले हुए, कई बार चुनावों च सेटबैक मिले, अज पार्टी एक अपनी पीक पोजिशन के उत्ते पहुंची है। लुधियाना के साहनेवाल में एक रैली को संबोधित करते हुए पंजाब कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम प्रकाश सिंह बादल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कैप्टन ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही लुटेरे हैं और झूठ बोलते हैं। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपना गुरु बताया है। सिद्धू ने कहा कि जेटली साहब मेरे गुरु हैं और गुरु बदले नहीं जाते, वह चाहे तो मुझे घर बुलाकर मेरे कान भी पकड़ सकते हैं। हालांकि इस मौके पर सिद्धू ने बादल सरकार को भी आड़े हाथों लिया। हल्का बदौड़ में आम आदमी पार्टी के प्रचारक संजय सिंह ने बादल सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि 10 साल में बादल सरकार ने पंजाब को बर्बादी की कगार पर ला दिया है और आने वाले 4 फरवरी को जनता पंजाब की तकदीर का फैसला करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव के लिए लंदन के आतंकियों से फंड ले रहे हैं। केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने अपने उस एमएलए पर कार्रवाई क्यों नहीं की जो लंदन के एक गुरुद्वारे में पंजाब के भगौड़े आतंकियों के साथ स्टेज पर था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल उस फंड को सार्वजनिक करें जो पंजाब चुनाव के लिए विदेशों से मिला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मुनीश सिसोदिया ने पंजाब के विधानसभा हलका धूरी से आम आदमी पार्टी के जस्टिस सेखों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल की बात दोहराई कि पैसे सबसे ले लो पर वोट झाड़ू को ही दो। ये जो बादलों ने और कैप्टनों ने पैसे चुरा के रखे हुए ना आपके, चुनाव में बांटते हैं, बांटने के लिए आएंगे, ले लेना, मना मत करना, आप ही का पैसा है, लेकिन वोट झाड़ू पे लगाना। अमृतसर के हल्का पश्चिमी से काउंसलर सतपाल धवन और भाजपा नेता मुकेश महंता ने उनके कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिद्धू के साथ उनके पारिवारिक संबंध है, लेकिन वह भाजपा के वफादार सिपाही हैं। कल का जो कांड होया जड़िया फॉर्म फैलन दिया है बिल्कुल सरासर झूठ है। सिद्धू साहब नाले परिवारिक रिलेशन है सी, उन्हें नजायज फायदा उठाया गया, उन्होंने पता है ये सिद्धू साहब की गल फैमिली नहीं मोड़ सकती। इस करके कुछ कांग्रेसी इतने आए है, जोड़ा इतों उम्मीदवार है वह भी नाल आया वा, वो इतने आन के बाऊ जी ने उन्होंने आ के गल कही है कि बाऊ जी सिद्धू साहब तुम्हें याद करते हैं। बाऊ ने कभी भी सिद्धू साहब की गल नहीं मोड़ सकते। ये कहें चलो मैं सिद्धू साहब को मिलना वा, पर मेरी को इतने ना कोई मेरी फोटो खिंचे तो ना कोई वीडियो बनावे उ। ये थी अब तक की मुख्य चुनावी खबरें। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।